सबसे जो बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज है, हु कैन टेल यू अबाउट इट, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी वन बाय वन ऑन द स्टेज टू टेल यू अबाउट दिस. तो वंस अगेन मैं आई एम श्योर एज पर हिज पर्सनैलिटी कहूँ या उनका यू नो ऑरा कहूँ या मैं उनका आई एम श्योर उनके वर्ड्स जो होंगे वो उससे भी ज्यादा अमेजिंग होंगे. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट संजीव जी टू प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज विद अस. एक्चुअली मैंने इसीलिए पहले सब कुछ बोल दिया क्योंकि मुझे पता था नाम के बाद बोलने नहीं देंगे. Thank you. Good morning. Good morning. Please settle down. Thank you so much for this warm welcome. और ये इंडस्ट्री तो जोशीली इंडस्ट्री है, तो ये तो जहां भी होंगी वहीं जोश में होंगे. मतलब किसी के मरे में जाएंगे तो भी रो के नहीं जाएंगे. ये इंडस्ट्री का अलग ही, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होता है. तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबके सामने कुछ बातें कर सकूं एसोसिएशन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में. और सबसे पहले मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय हेम पांडे जी, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड कंज्यूमर अफेयर्स. ही इज द पर्सन बिहाइंड दिस इंडस्ट्री. हेम पांडे जी को जितने मतलब आप लोग शायद कम जानते हैं या नहीं जानते, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि 2017 की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के जो फाइनल सिग्नेचर हुए थे, ही इज द डिग्निटी, ही इज द पर्सन. जो इंडस्ट्री बेनाम थी 22 साल से, जिस इंडस्ट्री की कोई पहचान नहीं थी, उसको पहचान दिलाने वाले मिस्टर हेम पांडे सर आज हमारे बीच में. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच. और इंडस्ट्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने वाले, इंडस्ट्री की अचीवमेंट्स की बातें करने वाले, लोगों को इंडस्ट्री के बारे में अवेयर करने वाले इनके पितामह मिस्टर सुरेंद्र वत्स सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और बहुत ही मेहनती और बहुत ही कर्मठ मिस्टर पवनदीप अरोड़ा जी, जिन्हें देख के हम भी इंस्पायर होते हैं, रोज कहीं ना कहीं मीटिंग लेते रहते हैं, थैंक यू सो मच. और केमिकल फ्री दारजुब 9 मिस्टर जितेंद्र डागर जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और मिस्टर अत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद. और संजीव कुमार जी, योगेश सर, विपिन सर, थैंक यू सो मच. दोस्तों ADCI एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, ये एसोसिएशन की आज ग्रांड समिट है, मैं कहूंगा इस एसोसिएशन की आज लॉन्चिंग है. ये एसोसिएशन क्यों बनी, इसके पीछे क्या विजन है, क्या मिशन है, वो आप सबको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे और तभी आपके मन में एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इतनी दूर से मुझे बुलाया गया है, तो मैं जो आया हूँ, जो आज मेरा दिन है, वो किस मिशन में आज था, किन लोगों के साथ था और कहाँ मैंने आज अपना ये कीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया. दोस्तों हमारी इंडस्ट्री 1996 से भारत के अंदर है, आज 2021 आ गया, आज भी हमारी इंडस्ट्री की वो पहचान नहीं है, वो सम्मान नहीं है जो समाज के अंदर होना चाहिए था. आज इस इंडस्ट्री में लाखों लोग आए, करोड़ों लोग आए, कुछ अचीवर बने, कुछ फेलियर बने, वो हर जगह चलता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करा पाई. ये इंडस्ट्री आज भी एक यंगस्टर के दिल में नहीं बस पाई. आज यंगस्टर बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, एमबीबीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, पर अगर उसे मैं कहूं कि बेटा डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कहता है ये काम तो अलग तरह के लोगों का, ये काम तो मतलब इसे मतलब फर्स्ट क्लास नहीं, थर्ड क्लास नजरों से देखा जाता है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई. आज समाज में आप लोग कितना ही बड़ा पैसा कमा लें, कितनी बड़ी गाड़ियां रख लें, आप अपने गाँव में जाएं तो अगर आप IAS बन जाते, IPS बन जाते या पुलिस इंस्पेक्टर भी बन जाते, तो चार गांव में पता चलता है कि वो लड़का पुलिस इंस्पेक्टर बना और लोग आपको रिगार्ड और रिस्पेक्ट से देखते हैं. आप फरारी अचीव कर लेते तो भी लोग आपको रिगार्ड और रिस्पेक्ट नहीं देते. क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री की इमेज कहीं ना कहीं नेगेटिव है, कहीं ना कहीं अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई. लेकिन बहुत प्रयत्न और बहुत प्रयास हमारे सीनियर्स ने किया है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं,
और करके उन्होंने, और शुक्र है भगवान का कि उस दिन उस चेयर के ऊपर हेम पांडे जी थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को समझा, जिन्होंने इसके लिए डायरेक्शन की गाइडलाइंस बनाई। इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ये हालत थी कि हम लोग जाते थे बताने ये भी इंडस्ट्री है, ये भी रोजगार जनरेट करती है, ये भारत का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकती है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम कर सकती है, बहुत बड़ा रेवेन्यू दे सकती है गवर्नमेंट को, तो कोई ऑफिशियल सुनने को तैयार नहीं थे। पर वो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू अवर सीनियर्स कि उस टाइम पे हेम पांडे सर जी वहां पर मेन चेयर पे थे और उन्होंने इंडस्ट्री की पावर को समझा, कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आई और आज इस इंडस्ट्री के रूल्स भी कहीं ना कहीं बन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। आज एक नेटवर्कर एक कैरियर लगाता है, फ्यूचर लगाता है, बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़ के आते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े कैरियर छोड़ के आते हैं, लेकिन उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता किसी भी कंपनी के साथ। उन्हें एक डर लगा रहता है, पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनइथिकल प्रॉब्लम कंपनीज के साथ आई। बड़ी लीगल कंपनियां थी, जैसे मैं आपको एक RCM का उदाहरण देता हूं, 2012 में RCM इतनी शानदार कंपनी, आज मैं कहूंगा हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग का आईना दिखाने वाली कंपनी, उस कंपनी को 2011 के अंदर बैन कर दिया गया, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही है, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, नथिंग। वो तो RCM के अंदर योद्धा थे मिस्टर सुरेंद्र वत्स, जिन्होंने एक साल प्रदर्शन किया, एक साल वहां पर जयपुर के ग्राउंड में पड़े रहे और अपनी कंपनी को रीओपन कराया। तो इस तरह की प्रॉब्लम से समाज में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के प्रति फेथ खत्म हुआ कि यार ये किसी भी कंपनी के साथ कभी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बेस नहीं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनीज आई, कुछ लोगों ने 6-6 साल 8-8 साल 10-10 साल मेहनत करके पसीना भागे नेटवर्क बनाया। एक कंपनी आई हिसार की, फ्यूचर जिसका नाम था, पूरा फ्यूचर मेकर बोलता हूं डंके की चोट पे, ठीक है, वो कंपनी आई। बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी उनको रातों रात उसने खत्म किया, बड़े बड़े लीडर्स के नेटवर्क खत्म किए, इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा लालच कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी। लोगों ने 10-10 साल कंपनियों में काम किया था प्रोडक्ट बेस में, लेकिन उनका कैरियर देखा रातों रात चौपट, 2 साल तक उसने पैसा दिया। फिर एक कंपनी आई थी बाइक चलाने वाली, है ना, उसका भी इंजन सीज हुआ फिर। तो आज भी कई सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्के वाली कंपनियां चल रही हैं। तो इन सबको कौन रोकेगा, कैसे रोके? कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं रोक सकती, इनको रोक सकती है संगठन में शक्ति। सारी कंपनियां एक हो जाएं, हिंदुस्तान की सारी लीगल कंपनियां एक हो जाएं, सारी लीगल कंपनियां एक प्लेटफॉर्म पे आए, मैं तो कहूं एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और इन इलीगल कंपनियों के खिलाफ लड़े। अरे इलीगल आदमी कभी लीगल आदमी से जीत नहीं सकता, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चोर साहूकार से जीत गया। इलीगल आदमी लीगल आदमी से नहीं जीत सकता, लेकिन क्या हो रहा है, सब अपनी अपनी कंपनियां चला रहे थे, सब काम कर रहे थे। फिर एक दिन विचार आए, हमने कुछ फाउंडर मेंबर जो आज आपके सामने ये सब अपने भाई लोग, इनको बुलाया, हम सब ने बातें करी कि यार ऐसे कब तक चलेगा, हम लोग 10-10 साल पसीना बहाते, 15-15 साल पसीना बहाते, उसके बाद रातों रात एक कंपनी आगे नेटवर्क उखाड़ जाती है, इनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, ऐसे कब तक चलेगा कि गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, हमारे रूल्स कब तक आएंगे, हमको कब पता चलेगा हम सही है या गलत है, ये कौन इसको डिसाइड करेगा कि वी आर राइट और वी आर रॉन्ग। लोगों ने अपने भविष्य लगा रखे हैं, लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा रखी है, दिन रात लोग लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का भविष्य सुरक्षित है ये आश्वासन देने में आज सबको डर लगता है, इस डर को कैसे खत्म किया जाए। तो हमने कहा हम शुरुआत करते हैं, तो ये सब फाउंडर मेंबर्स, हमने कहा हम एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं, क्योंकि एसोसिएशन की हमें बहुत आवश्यकता थी। एसोसिएशन भारत में बहुत हैं, अच्छे तरीके से चल रही है, उनका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम एक ऐसी एसोसिएशन चाहते थे जिसका कोई कमर्शियल टर्म्स जिसके अंदर ना हो, जिस एसोसिएशन में सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाए, इंडस्ट्री के लोगों के बारे में सोचा जाए, जिस एसोसिएशन के अंदर कोई डेजिग्नेशन ना हो, मैं प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, मैं वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ ना हो, वहां पर एक ही चेहरा हो, मेन चेहरा, जो बिल्कुल इथिकल व्यक्ति हो, लीगल व्यक्ति हो, जो सही कंपनी को एंट्री दे, गलत कंपनी को बैन करे और गलत कंपनियां जो बाजार में चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाए, एक ऐसी एसोसिएशन, और जो सही कंपनियां चल रही हैं उनके लिए आवाज उठाए, एक ऐसी एसोसिएशन को आज भारत को जरूरत थी। बहुत सी सही कंपनियां होती हैं, उनके साथ बहुत कभी कभी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, कहीं पुलिस वाले को लालच आ गया, कहीं किसी को लालच आ गया, कहीं कोई करता है भाई ये कर दो, इनका ये कर दो, क्योंकि इतना पैसा कमाते देखते हैं। तो उनके लिए आवाज उठाने वाली कोई एसोसिएशन हिंदुस्तान में नहीं थी। एसोसिएशन है,
लेकिन अगर कोई कंपनी परेशान है, कोई कंपनी तकलीफ में है, उस कंपनी को बचाने के लिए कोई एसोसिएशन आगे आने को खड़ी नहीं थी। और एक कंपनी कंपनी होती है, कंपनी का कहीं ना कहीं कमर्शियल कनेक्शन होता है। कंपनी जाके बोलती है मैं ठीक हूं, तब मजा नहीं आता। एसोसिएशन की लीगल टीम जाके बोले ये कंपनी ठीक है, तब मजा आता है। तो ऐसा नेचर इस इंडस्ट्री का कभी डेवलप नहीं हुआ। ऐसे नेचर की कोई एसोसिएशन मेरे को या मुझे लगता है जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं उन्हें देखने को नहीं मिली। एसोसिएशंस हैं, मजबूत एसोसिएशंस हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनके पास, सब कुछ है, लेकिन एक जो फाइट होती है फॉर इंडस्ट्री, फाइट फॉर इंडस्ट्री, फाइट फॉर नेटवर्कर, वो फाइट करने को कोई तैयार नहीं है। तब हमने कहा हम सब मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जो फाइट करेगी, लगातार फाइट करेगी नेटवर्कर के लिए, कंपनीज के लिए। हमें एसोसिएशन की बहुत आवश्यकता थी। हमें ऐसी एसोसिएशन चाहिए कि आज ये दारजूब है या एसलीपीएस है या एचए चाहिए, अगर इन्हें कोई लीगल प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्टर ना जाके परेशान हो, नेटवर्कर परेशान ना हो, एसोसिएशन की लीगल टीम जाए और उसको सॉल्यूशन करके लाके आए। वो कहते, उसे कहते हैं एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। चाहे फीस जितनी मर्जी हो, चाहे जितना मर्जी हमें टर्नओवर का शेयर देना पड़े एसोसिएशन में, वी आर कंट्रीब्यूटिंग। तो हमने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जहां पर आज सर्वे सर्वा, यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात बताता हूं, यहां पर कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं है। एसोसिएशन होती है संगठन, एक ऐसा संगठन जो सबके लिए सोचे, ना ओनली फॉर एसलीपीएस, ना ओनली फॉर दारजूब, ना ओनली फॉर एचएचआई, जो सबके लिए सोचे, जहां सब बराबर हैं। आप अलग अलग कंपनी में काम करते हैं लेकिन है क्या आप नेटवर्कर। और दोस्तों याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं, लोग देश के अंदर हमेशा बात करता हूं कि लोग धर्म जात पात पे लड़ते रहते हैं, देश खत्म हो जाएगा तो शहर खत्म हो जाएंगे, गांव खत्म हो जाएंगे, हम सबके धंधे खत्म हो जाएंगे। देश बचना चाहिए, हम बचे रहेंगे। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी कोई मायने नहीं रखती, एसलीपीएस हो, एचएचआई हो, दारजूब हो, एमवे हो, कोई भी कंपनी हो, कंपनी का अस्तित्व कब तक है, जब तक इंडस्ट्री का अस्तित्व है। इंडस्ट्री बचनी चाहिए, कंपनी बची रहेंगी। अगर इंडस्ट्री जिंदाबाद है तो हर इथिकल कंपनी जिंदाबाद है जो इथिकल तरीके से काम कर रही है। उसके लिए हमें बहुत जरूरत थी एक एसोसिएशन की, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें हमें गाइड कर सके, एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो हमेशा सच के साथ काम करें। हमने बहुत रिक्वेस्ट की और हम हेम पांडे सर के पास सारे लोग मिलके गए। हमने कहा सर आपने हिंदुस्तान की प्रशासनिक सेवा में अपना इतना समय दिया, आप चीफ सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स रहे, आपने हमारी इंडस्ट्री को बनाया है, हमें गाइडलाइंस दी है, मुझे लगता है सर आपसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हमें कोई नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ सर अब इस रिटायरमेंट में एक ऐसा सेवा का काम कर जाएं जहाँ करोड़ों लोगों में आप पूरी जिंदगी बसे रहें। तो सर ने बीड़ा उठाया, लेकिन सर का कहना क्या था कि सर के बारे में जितने भी लोग जानते हैं, नहीं जानते हो जाके पता करें, सर हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार ऑफिसर की कैटेगरी में नंबर वन पे आते हैं मिस्टर हेम पांडे सर। तो सर ने कहा संजीव, पवन, जितेंद्र, सुरेंद्र जी, संजीव जी, अत्री जी, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे इथिकल डायरेक्ट सेलिंग चाहिए, मैं किसी गलत आदमी को इस एसोसिएशन में एंट्री नहीं लेने दूंगा, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूं। और इस एसोसिएशन ने यह फैसला किया कि यहां पर कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, नोबडी इज डिग्नेटरी, सब एक होंगे, कंपनी चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, पर सब यहां पर एक होंगे। तो इस सोच के साथ यह एसोसिएशन का आगाज हुआ। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एसोसिएशन की ग्रांड समिट आज है, लेकिन अभी कंज्यूमर अफेयर्स के रूल्स पे चर्चा होनी थी कि रूल्स कैसे आने चाहिए, रूल्स कैसे होने चाहिए, तो गवर्नमेंट के पैनल पे ADACI ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। आज गवर्नमेंट कोई भी निर्णय करेगी तो ADACI का पैनल, उसमें एक्सपर्ट पैनल बैठा होगा और अपने विचार और अपने सुझाव बताएगा, उसके बाद हमारे रूल्स आएंगे। तो दोस्तों आज का दिन मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन है, और इतिहास 5 लोगों से शुरू होता है लेकिन कब 55 हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो शुरुआत है लेकिन ये अंत नहीं है, सिर्फ शुरुआत है, और इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए। और उसमें एक सहयोग चाहिए कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं
वही कंपनी आपकी माँ होनी चाहिए, वही आपका मंदिर होना चाहिए। सहयोग ये चाहिए कि आप स्नैचिंग ना करें, एक दूसरे की कंपनी से बंदे ना खींचें, बाजार की दुनिया को अपने साथ लेके आए। आज डायरेक्ट सेलिंग की कुछ चिल्लर कंपनियां, चिरकुट कंपनियां जो मार्केट में चल रही हैं, वो चिल्लर चिरकुट के दिमाग में रहता है फलानी कंपनी का लीडर तोड़ लो, फलानी कंपनी का लीडर तोड़ लो। मैं कहता हूं ये मार्केट तोड़ लो, ये हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी है, उसका माइंड डाइवर्ट करो, उसका माइंड कन्वर्ट करो। तुम एक दूसरे को क्यों खाते हो? आज अमेरिका के अंदर 33 करोड़ की पॉपुलेशन में 3.5 लाख करोड़ का साइज है इस इंडस्ट्री का, 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है एक साल का। और भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जरूरत है इस इंडस्ट्री की, 135 करोड़ की जनसंख्या, 20,000 करोड़ का साइज है, 20,000 करोड़ का, ओनली 20,000 करोड़। एक मैगी 10,000 करोड़ की बिकती है, क्या साइज है हमारी इंडस्ट्री का? हमारी इंडस्ट्री का साइज क्यों नहीं बढ़ा मालूम है? क्योंकि हम उसी सर्किल के चारों तरफ घूम रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। हम किसी फ्रेशर को नेटवर्कर नहीं बनाना चाहते, हम आम समाज में नेटवर्किंग की छाप नहीं छोड़ना चाहते, हम लीडर लीडर खेलते हैं, लीडर लीडर, इसका लीडर उसका लीडर, तो उसी दायरे में घूम रहे हैं, इसलिए आज तक 20,000 करोड़ का साइज रहा। मैं कहता हूं तुम एक दूसरे को मत खाओ, मार्केट को खाओ, इस इंडस्ट्री को 3 लाख करोड़ पे पहुंचाओ। सब कंपनियां अच्छी होती हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सबका एक क्लाइंट है, सबका एक कस्टमर है। जियो का अपना कस्टमर है, एयरटेल का अपना कस्टमर है, वोडाफोन का अपना कस्टमर है, वो कंपनी अच्छी है वो बुरी है, अरे कोई अच्छा बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्लाइंटेज है, सबकी अपनी अपनी लीडरशिप है, सबकी अपने अपने एजुकेशन है, सब लोग अच्छे हैं। हम किसी भी इथिकल कंपनी की बुराई नहीं कर सकते जो एथिक्स से काम कर रही है, और हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो लोग नीचा दिखाते हैं वो कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तो मेरा टाइम अप हो गया, इन्होंने घड़ी लगा रखी है, तो बस यही कहूंगा कि आप लोग इंडस्ट्री को बड़ी बनाएं, आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क और आपकी कंपनी अपने आप बड़ी बन जाएगी। इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दे, प्रायोरिटी इंडस्ट्री को दें, इंडस्ट्री के खिलाफ काम ना करें, इंडस्ट्री के लिए काम करें। और जब भी इंडस्ट्री के लिए आपको कहीं बुलाया जाए, जैसे आज आ गए वैसे हमेशा आते रहे, और आज के बाद हिंदुस्तान की हर फेसबुक, हर व्हाट्सएप, जितना सोशल मीडिया खेलना है खेलो, ADSI आज अभी से अगले 2 घंटे में कन्याकुमारी तक पहुंच जानी चाहिए, 2 घंटे में। हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर को, हर कस्टमर को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार एसोसिएशन का जन्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई एम श्योर आपका प्यार देख के और आपकी एनर्जी देख के आई कैन रियली आइडेंटिफाई। आई एम श्योर काफ़ी लोग चाहते थे कि सर बोलना ना रुके, बट वी हैव लॉट मेनी पीपल जो आपको और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, वी फाइनली लॉन्च्ड ऑफिशियली स्टेटमेंट।